गोंदिया नगरी में जय भीम के नारों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती में भारी जन सैलाब उमड़ा। गोंदिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समिति द्वारा सुभाष ग्राउंड पर बहुजन एकता पर्व अंतर्गत समिति अध्यक्ष नाना सेंडेन की अध्यक्षता में मुख्य प्रखर मार्गदर्शक माननीय निर्देश सिंह न्यू दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले महासभा तथा नीरज भाई पटेल लखनऊ प्रधान संपादक नेशनल जनमत दिल्ली थे। आयोजन में डॉक्टर शिल्पा मेश्राम उमेश नागदेवे डॉक्टर शीतल रमादे दुर्गा प्रसाद काकोड़े शिव नकपुरे किशोर मुंडे राजू जोगी इंजीनियर रविन्द्र कनौजिया वाई पी लांजेवर घनश्याम ब्रह्माकर वैशाली लारोकर आदि अतिथि उपस्थित होकर उनका सत्कार समिति द्वारा किया गया। इसके पूर्व रामनगर में भव्य रैली भीमनगर कस्तूरबा वार्ड गौतम नगर सूर्या टोला संजय नगर गोविंदपुर छोटा गोंदिया सिविल लाइन विविध जगह से झांकियों के साथ जय भीम के नारों से जगह जगह विभिन्न संस्थाओं राजनीतिक पार्टी द्वारा अल्पाहार शीत पेय आदि प्रदान किया गया। समिति के महिला प्रतिनिधियों का विशेष योगदान रहा। समस्या है कि साला कोई ईश्वर नहीं है तो पाप
करेंगे तो पूजेंगे किसके सामने हो, तो कन्फेस किसके सामने करेंगे? क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। और मानववाद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति हो या सामान्य इंसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो हम लोग मानववादी लोग हैं। मैं तमाम सारे धार्मिकों से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि चूहा गणेश का वाहन है, वो लोग अपने घर में चूहा मार दवा रखते हैं, और मैं कहता हूं कि चूहा एक जानवर है, मैं अपने घर में पिंजड़ा रखता हूं क्योंकि मैं मानववादी हूं। तो तुम्हारे धार्मिक होने में, मेरे मानववादी होने में फर्क क्या रहेगा? महिलाओं से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं, बाकी तो दीदी ने कर ली। इस डिजिटल युग में वो डिजिटल तरीके से आपका दिमाग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आप कितने भी अंबेडकरवादी हो जाइए, आप अंदर से कितने भी पवित्र हो जाइए, लेकिन आपके घरों में जो इडियट बॉक्स रखा है, उद्दू बक्सा, पहले उसमें रामायण महाभारत आता था। जब लोगों को समझ में आने लगा कि रामायण महाभारत नहीं देखना, ये हमें बरगलाने के लिए है, कपोल कल्पना है, काल्पनिक है, तो अब आ रहा है चुड़ैल, डायन, नागिन, ये सीरियल आते हैं घरों में। आप भले ही न देखें लेकिन बच्चियां देखती हैं। और ये पता क्यों आते हैं? हर बात को उदाहरण से समझाता हूँ। ये इसलिए आते हैं, आपको याद है उस देश में मोनू चौहान को टिकट पाया था? सुना है ना? सुना है आप लोगों ने? सुना है कि इस देश में मोनू चौहान चोटी कटवाया था? सुना है ना? वो समय समय पर चेक करते हैं कि इस देश के लोगों को मंदिर का घंटा चाहिए या विद्यालय का घंटा। जब वो समझ लेते हैं कि अभी भी मूर्ख है, मुनुचवा में भी मूर्ख बने, चोटी कटवा में भी मूर्ख बने, तो कहते हैं मंदिर का घंटा पकड़ो, राम मंदिर बनवाओ, इनको विद्यालय की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ये बीच बीच में जो सीरियल तैयार किए जाते हैं आपके घरों में डालने के लिए,